आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दैनिक राशिफल में 23 दिसंबर के राशिफल की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:45 बजे तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र शाम को 5:40 बजे तक रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी। चलिए आगे बात करते हैं राहुकाल की। राहुकाल का समय वो समय है जब आप लोगों को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अपने शुभ कार्यों को आगे के लिए टाल दें या आप उससे पहले कर लें। आप लोगों को राहुकाल में शुभ कार्य करने से अड़चनें आती हैं, कार्य सक्सेस नहीं होता, इसलिए राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये समय रहेगा सुबह 8:24 से लेकर 9:45 तक का समय। ये समय आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त का समय वो समय होता है जब आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है इसे। 12:00 बजे से लेकर 12:40 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का समय है, आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं दिशाशूल को। दिशाशूल में आज के दिन यानी के सोमवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो घर से एक छोटा सा उपाय करके निकलें। आप लोगों को घर से दर्पण देखकर निकलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दर्पण देखने से आपकी दिशाशूल के प्रभाव से बचाव होगा, आपकी यात्रा बहुत सुखमय होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे राशिफल की। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 23 तारीख का दिन, चलिए जानते हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम रहने की उम्मीद है। 12:00 बजे तक का समय आप लोगों के लिए चंद्रमा आपके उत्साह के घर में होंगे और उसके बाद चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति भी अच्छी ही मानी जाएगी। हालांकि मन की स्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती हैं, मन थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो सकता है, आप ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, छोटी छोटी बात आपको हर्ट कर सकती है। सिंह राशि के हैं तो इस बात को सोचकर अपने दिन को उसी तरीके से प्लान करें। सिंह राशि के लोग जल्दी जल्दी घबराते नहीं हैं, अच्छे रिस्क लेने की पावर इनमें होती है, तो इसलिए आपको घबराना किसी भी कंडीशन में नहीं है। आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल हटने चाहिए। पराक्रम के बल पर सभी कार्य आज आप करें। आज का दिन आप लोगों के लिए अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और स्थानांतरण के योग हैं। अवरोध और विरोध के चलते हुए आप बहुत सारे ऐसे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जीवन साथी से संबंधों में आज का दिन जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आप लोगों के मन में उतार और चढ़ाव की वजह से परेशानियां भी बनी रहेंगी, तो इन चिंताओं को दूर करें, अपने मन की व्यवस्थाओं को ठीक करें, संतुलन में रहें। आप लोगों के लिए दिन अच्छा बीतेगा। आज का जो दिन है समाज सेवा में अगर आप बिताएं तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। समाज के लोगों के साथ सोशल कनेक्शंस आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा, किसी पुराने मित्र किसी नए मित्र से मुलाकात हो सकती है। आज का दिन आत्म सुधार का और विकास का दिन कहा जा सकता है। आज के दिन पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अपनी माँ के साथ समय बिताएं। जितना हो सके माँ के साथ समय बिताएंगे तो चंद्रमा मजबूत होगा और इसके साथ साथ पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा। माता और पिता दोनों ही आपका सहयोग देंगे, आप लोगों को आर्थिक तौर पर भी वो मजबूती देंगे और इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए माँ बाप के साथ अपना समय व्यतीत करें, उनके साथ उनके मनपसंद की चीज़ें करने की कोशिश करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो दिन आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। कभी कभी माँ बाप के साथ भी समय बिताना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ भी समय बिताना चाहिए। तो आज का दिन आप अपनी फैमिली के साथ अगर बिताते हैं तो बेहतर होगा। आज के दिन अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी की जा सकती है। 23 तारीख को आपकी आर्थिक व्यवस्था भी सुधरती हुई दिखाई देगी, आपका काम करने का तरीका भी सुधरता हुआ दिखाई देगा। आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि किस प्रकार से आपको अपने काम आगे करने हैं। आगे के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। दिन जो है वो आत्म सुधार और विकास पर आप अपने धन को भी खर्च कर सकते हैं, इसलिए आज का दिन आपके अपने लिए बिताने का दिन है। आप चाहे काम में बिताएं, चाहे फैमिली के साथ बिताएं, आप जैसा उसे बिताना चाहेंगे वैसा ही बिता पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंह राशि का राशिफल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।